अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ बतूल। वेलकम बैक इन बतूल्स किचन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी। फुल ऑफ कॉर्न्स मैं रेडी करूँगी, बहुत यमी, बहुत डिलीशियस। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉक प्रिपेयर कर लेते हैं। एक पैन लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। 8 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है। साथ में इसमें ऐड करेंगे प्याज, हाफ आपने इसमें अनियन ऐड कर देनी है साबुत, लहसुन की जमे गार्लिक क्लोव्स इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद, अदरक जिंजर ऐड कर लेंगे 3 इंच का, नमक सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून और टू टेस्ट, हल्दी पाउडर टर्मेरिक पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन ब्रेस्ट। ये जो ब्रेस्ट है वो 500 ग्राम का, आप चाहें तो हड्डी वाला जो चिकन की गर्दने या इस तरह की चीजें होती है, हड्डी वाले जो चिकन का गोश्त होता है उसका भी स्टॉक प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसे कवर करेंगे और कुक करेंगे कुछ 40 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। और जी देखें 40 मिनट हो गए। चिकन ब्रेस्ट को अलग कर लेते हैं और स्टॉक को अलग कर लेंगे। स्टॉक को आपने अच्छी तरीके से छान लेना है, इसे साइड पे रखते हैं। अब सूप प्रिपेयर करने थे, एक पैन लेंगे, उसमें डाल रही हूँ मैं ऑयल 2 टेबल स्पून। ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें ऐड करेंगे क्रश्ड लहसुन, क्रश्ड गार्लिक इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून, और इसको सौते करेंगे कुछ 2 मिनट के लिए। चिकन ब्रेस्ट जो था उसको हमने इसके शेडेड कर लिया, उसके छोटे छोटे से आपने इस तरीके से टुकड़े कर लेना है, और इसे अच्छी तरीके से हम लहसुन में मिक्स करेंगे। अब कुक करेंगे हम इसे कुछ 2 मिनट के लिए। और जी 2 मिनट हो गए। अब इसमें ऐड करते हैं चिकन स्टॉक। 8 कप पानी लिया था और इतना हमने पकाया कि स्टॉक हमारा प्रिपेयर होके 6 कप रह गया। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे क्रश किए हुए मकई। 1 कप मैंने मकई ली और इसको क्रश कर लेना है, और अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग मकई को कम और ज्यादा कर सकते हैं। साबुत मकई इसमें ऐड करेंगे। स्वीट कॉर्न इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब। ऐसे कुक करेंगे कुछ 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। और जी कुछ 10 मिनट हो गए। इसका टेस्ट इन्हांस करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ ब्राउन शुगर। इससे जो फ्लेवर है वो बहुत इन्हांस होके आएगा इसका। साथ में इसमें ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून के करीब और टू टेस्ट। सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं सारी चीजें। चिली सॉस इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। सिरका विनेगर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, और अपने टेस्ट के मुताबिक सारे सॉसेस आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब सूप की थिकनेस की तरफ आते हैं। कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पे लिया 5 टेबल स्पून। 1/2 कप इसमें पानी ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। मैं ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, जब तक आपने इसे मिक्स करना जब तक इसकी जो है परफेक्ट कंसिस्टेंसी ना आ जाए। ये देखिए जी बहुत ही जबरदस्त सा सूप जो है वो रेडी होने वाला है। अब इसमें ऐड करेंगे अंडे। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं और इसे अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करते जाएंगे और बहुत ही स्लो हाथों से आपने इसे मिक्स करना है। और ये देखिए जी सूप की कंसिस्टेंसी आप चेक कीजिए, सूप का कलर आप चेक कीजिए, कितना परफेक्ट इसका कलर आया है। काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ऐड करेंगे एट लास्ट 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे इसे और इसे कुक करेंगे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और जी 3 मिनट हो गए और देखें कितना जबरदस्त सा सूप जो है वो रेडी हो गया। अब इसे सर्व करते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, गर्मा गर्म सूप अब सर्दी में एंजॉय कीजिए सॉसेस के साथ। ऊपर से मैं शेजवान की भी चिकन जो गार्निश कर रही हूँ, कॉर्न्स इसमें गार्निश करेंगे, साथ में आप इसे स्प्रिंग अनियन से गार्निश करें। बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर, बहुत ही यमी सा कलर आप इसका चेक कीजिए। चलिए जी मैं सब टेस्ट करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि ये कैसा बना है। गर्मा गर्म बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यम्मी डिलीशियस चिकन कॉर्न सूप रेडी हुआ है।
यकीनन आप लोगों को चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और बतूस किचन को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए जी, मैं जबरदस्त से चिकन कॉर्न सूप को एंजॉय करती हूँ, आप भी अपने घर में बना के एंजॉय कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। साइनिंग आउट, लॉट्स ऑफ लव, रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।